आज हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सभी जीव और अजैव घटक आपस में पारस्परिक क्रिया के द्वारा अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं, अपने आसपास से वातावरण से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो सभी जीव जैव घटकों से मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र को शब्द का उपयोग जिन टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था, इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र का जो परिभाषा किया है, पारिस्थितिक तंत्र वातावरण की वे सभी जीव सजीव और अजैव घटकों के बीच पूर्ण समन्वय है। तो इस तरह से टेंसले ने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग किया। पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र जीवों का जो जैव और अजैव घटकों से मिलकर बने जो पारिस्थितिक तंत्र हैं, इन पारिस्थितिक तंत्र को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो आज हम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत स्थली और जली दो मुख्य पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम स्थली पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें स्थली पारिस्थितिक तंत्र या जियोम ने सभी स्थल में पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिक तंत्र मिलकर एक जियोम या पारितंत्र का निर्माण करते हैं, वह जियोम कहलाएगा। प्रकृति में जितने भी स्थल में पाए जाने वाले सभी पारिस्थितिक तंत्र मिलकर जियोम का निर्माण करते हैं। तो मुख्य रूप से जो स्थली पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं, टुंड्रा प्रदेश वन पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थली पारिस्थितिक तंत्र, तो इस तरह से ये मुख्य स्थली पारिस्थितिक तंत्र हैं। इसमें हम मुख्य रूप से देखते हैं, पहला है टुंड्रा पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। टुंड्रा पारितंत्र, इसे लाइनर रेखा भी कहा गया है, रेखा वृक्ष का रेखा, लाइनर ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप के क्षेत्रों में सार्टस अक्षांश पर उपस्थित होते हैं। ये यहाँ पर पूरी क्षेत्र बर्फ से ढकी होती है, केवल ये 50 दिन के लिए बर्फ पिघले होते हैं और इसी समय वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली जो पादपे हैं, जो जिसको हम उत्पादक कहते हैं, ये उत्पादक मुख्य रूप से मासेस, लाइकेन, सेज, ये मुख्य उत्पादक पौधे हैं, पादप हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो जंतु हैं, आर्किड, खरहे, शशक, लैमिंग्स, ये उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो जितने भी वहाँ पे पाए जाने वाली जो जीव हैं, उत्पादक और उपभोक्ता, ये सरल उत्पादक, सरल पादपों के रूप में लाइकेन, मासेस होती हैं, और जो उपभोक्ता हैं वो खरहा, शशक, आर्किड, सॉरी, तो ये जो उपभोक्ता हैं ये इन्हीं पादपों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसमें 3790 मीटर ऊंचाई पर और 600 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र पर भी टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं। तो हमारे भारत में पश्चिमी पर्वत पर 3050 मीटर ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र, ये उत्तरी हिमालय का जो क्षेत्र है, टुंड्रा प्रदेश का क्षेत्र है। टुंड्रा प्रदेश में जितने भी जैव और अजैव घटक हैं, ये अपने जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं क्षेत्रों, उनके वातावरण के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो किसी भी पारितंत्र में वहाँ दो प्रकार के ही जैव और अजैव घटक होंगे। अजैव घटक के अंतर्गत वहाँ की उनकी तापक्रम, वहाँ के मौसम, उनकी जलवायु किस प्रकार है, उन्हीं आधार पर जीव पाए जाते हैं। तो उन जीवों के लिए जो उपयुक्त जलवायु है, जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता जो सजीव के अंतर्गत आएंगे, ये जीव पाए जाते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम टुंड्रा प्रदेश के बाद वन पारितंत्र। पहला अपना टुंड्रा प्रदेश था,
जिसमें ही उत्तरी क्षेत्रों पर पाए जाने वाली बर्फ से ढके क्षेत्र हैं और ये भारत में उत्तरी पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश का क्षेत्र है। दूसरा जो है अपना वन पारितंत्र, वन पारितंत्र के अंतर्गत जितने भी वन पारिस्थितिक तंत्र हैं ये वन पारिस्थितिक तंत्र में वहाँ पे पाए जाने वाले जो अजैव घटक होंगे समान रूप से सभी जो पारिस्थितिक तंत्र में वैसे ही अजैव घटक होते हैं जहाँ की उसकी जलवायु होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ ही वहाँ के अजैव घटक होंगे। तो मुख्य रूप से जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं उन सब में इन्हीं अजैव घटक के रूप में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ और वहाँ की उनकी जलवायु होती है। इसमें पारितंत्र में मुख्य रूप से पहला जो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएगा टैगा प्रदेश। टैगा प्रदेश यहाँ क्या भी अजैव घटक वही कार्बनिक अकार्बनिक अजैव घटक के अंतर्गत जलवायु वहाँ की अकार्बनिक कार्बनिक तत्व उनके जीवों के लिए ये आवश्यक घटक होंगे। जैव घटक जैव घटक तो टैगा प्रदेश उन क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ पर टैगा प्रदेश में शरद ऋतु पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होता है, ग्रीष्म ऋतु में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होता है। वहाँ की जो क्षेत्र हैं जिसमें टैगा क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरे वर्ष अधिक समय तक ये बर्फ से ढके होते हैं और यहाँ पर 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा का क्षेत्र है वर्षा होती है। क्या बहुत अधिक सघनता वाला क्षेत्र होता है, प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। तो इस प्रकार की जो पादपें हैं ये छाया प्रेमी पादपें पाई जाती हैं, यानी कि छाया में रहने वाले छोटे जो पादप होंगे क्योंकि भूमि तक सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ पर पाए जाने वाले जो पादप हैं वो छाया प्रेमी वाली झाड़ियों के रूप में पाई जाती हैं। पीच, एल्म, वॉलनट, और मैपल, छिपकली ये जंतु हैं। इनमें जो पादप जो पाई जाती हैं ओक, मैपल, ये पाइनस, फर, सिडार की पादप पाए जाते हैं जो वहाँ के उत्पादक। जैव घटक के अंतर्गत हम इनको दो समूह में बांट सकते हैं, तीन समूह में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक के अंतर्गत सभी पादप आते हैं, जो ये पादप जहाँ तक छाया प्रेमी वाले पादप हैं पाइनस, फर, सीडार, हेलमार्क, यहाँ की वनस्पतियाँ होंगी।
उपभोक्ता के अंतर्गत जितने भी जो जैव हैं, जो इल्म बीज एल्म पीच वॉलनट आदि ये इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जंतु होंगे। तो इसमें इसके साथ साथ जो टाइगर प्रदेश में और जो भालू भेड़िया लोमड़ी और अन्य जंतु भी आते हैं। अब घटक जब इन जीवों का मृत्यु होता है तो अब घटकों के द्वारा अपघटित कर लिए जाते हैं और फिर से वापस वायुमंडल में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों के रूप में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के वातावरण में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी पारितंत्र में हम जैव और अजैव घटकों से मिलकर बने ही जैविक तंत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें टाइगा प्रदेश ये ग्रीष्म ऋतु पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और वहाँ ग्रीष्म ऋतु पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। अधिकतर ये बर्फ से ढकी रहती हैं और ये क्षेत्र छाया प्रेमी वाले पादप वहाँ पर पाए जाते हैं। तो लगभग इसमें वर्षा जो होता है 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा वहाँ पाई जाती है। इसके बाद वन पारिस्थितिक तंत्र में टाइगा प्रदेश, इसी तरह वन पारिस्थितिक तंत्र में शीतोष्ण पर्णपाती, दूसरा है वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत दूसरा है शीतोष्ण शीतोष्ण पर्णपाती। तो यहाँ की ये भी जो अजैव घटक है, अजैव घटक वही कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, वहाँ का तापक्रम वहाँ की जलवायु अजैव घटक के अंतर्गत आएंगे। और ये क्षेत्र उत्तरी अमेरिका यूरोप जापान में शीतोष्ण पर्णपाती जो वन है ये वहाँ पर पाए जाते हैं। वहाँ पर लगभग जो वर्षा होती है 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होता है। अजैव घटक के रूप में जलवायु, वहाँ की जलवायु ठंडी है, बर्फ से ढका होता है और जब ये यहाँ की जो जलवायु है सामान्य होती हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु स्पष्ट होते हैं, सामान्य तापमान पाया जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु सामान्य होते हैं, इसमें बहुस्तरीय वृक्ष पाए जाते हैं, झाड़ियाँ वनस्पति घास वृक्ष पाए जाते हैं। 75 से 150 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। यह क्षेत्र भी बहुत अधिक घने पादपों यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं मैपल एल्म बीच अजैव घटक के बाद है जैव घटक। जैव घटक में सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादक, यहाँ की जो वनस्पतियाँ होंगी वहाँ वो क्या होंगे, उत्पादक होंगे। इसके अंतर्गत जो आने वाली जो पादप है ओक मेपल और एल्म पीच ये सभी वनस्पतियाँ वहाँ के जैव घटक होंगे। इसी तरह उत्पादक के बाद यहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी जंतु हैं ये होंगे क्या होंगे, उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत यहाँ पाए जाने वाली
जो जंतु हैं, छिपकली, गिलहरी, शशाक, खरहा, भेड़िया, शियार, मेंढा, कछुआ, गिलहरी, भालू, ये सब उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। मेंढक, खरहा, शशक, भेड़िया, भालू इस उपभोक्ता की श्रेणी में यहाँ शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले जीव होते हैं। लोमड़ी, अब हम देखते हैं शीतोष्ण, ये भी क्या है, एक प्रकार का वन पारिस्थितिक तंत्र है, वन क्षेत्र है और स्थलीय भाग में पाए जाने वाले जैव और अजैव घटकों से मिलकर ही बने। इसी में वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हम और देखते हैं उष्णकटिबंधी वन, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। तीसरा है उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। उष्णकटिबंधी सदाबहार वन के अंतर्गत ये तीसरा वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत है उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। ये पश्चिम घाट में मलाया, मॉलवेर्निया, मलाया, बोर्निया, न्यूगायना क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वन हैं, ये उष्णकटिबंधी सदाबहार वन है। यहाँ पर की जो तापक्रम है, यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ का जो जलवायु है, ये वर्षा यहाँ की 200 सेंटीमीटर अधिक, इसमें पाए जाने वाली जो पादप हैं ये भी छाया प्रेमी होती है। बहुत अधिक पादप इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यहाँ एक एकड़ में लगभग 200 पादप वृक्ष पाई जाती है, एक एकड़ में लगभग 200 वृक्ष पाई जाती हैं। बहुत अधिक इस क्षेत्र में पादप पाए जाते हैं। तो अधिक सघनता होने के कारण इनकी बहुत 4 से 5 स्तरें होती हैं। 4 से 5 स्तरें से मतलब है कि जमीन पर पाए जाने वाले, मैदानी स्थान पर निचले स्तर पर पाए जाने वाले पादप, फिर कुछ उनसे ऊपर उठे हुए पादप होंगे, फिर उससे और ऊपर होंगे, और फिर तीसरे चौथे स्तर पर, इस तरह से पांचवे, यानी कि निम्न हाइट से लेकर उच्च ऊंचाई तक पादप पाए जाते हैं। इस तरह से 4-5 इस तरह पादपों को देखने को मिलता है। और यहाँ पर की जो लताएं हैं, ये कंठ लताएं जो पेड़ों पर लिपटी होती हैं, इसके कारण पादपों को पूरी जो प्रकाश है ये पृथ्वी भूमि तक नहीं पहुँच पाती। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वहाँ की जलवायु है, जिसमें ये हमेशा अंधेरे होते हैं वह क्षेत्र। यहाँ पर पूरी तरह से स्वच्छंद वायु नहीं बहता, क्योंकि बहुत अधिक घनी होने के कारण वायु स्वच्छंद रूप से नहीं बह सकते। तो यहाँ पर पाए जाने वाली जो वनस्पतियाँ हैं, ये लताएँ और कंठ वृक्ष, ये पादप इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें पाए जाने वाली जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाली जितनी भी जीव हैं, अजैव घटक के अंतर्गत वही सभी कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व और वहाँ की जलवायु। अकार्बनिक और एवं कार्बनिक तत्व जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि, और इस तरह यहाँ की जलवायु
वहाँ लगभग जो पाई जाने वाली जो जीव हैं ये मेंढक, छिपकली, विविध प्रकार की पक्षी, जंगली सूअर, हिरण, भालू, हाथी, काले लंगूर आदि जीव पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे, वह है जैव घटक। तो इस तरह से हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन किए, जिसमें विभिन्न प्रकार की जीव जंतु और पादप पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे वन पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर चौथा है भूमध्य सागरी मध्यसागरी वन को चपराल की वन भी कहा जाता है। ये जो यहाँ हमेशा ताप परिवर्तित होते रहता है, एक समान यहाँ के तापक्रम नहीं होती। भूमध्यसागरी स्क्रैब वन, यहाँ पर स्क्रैब वन, यहाँ का तापक्रम हमेशा परिवर्तित होते रहता है। यहाँ भी पाए जाने वाली जो जंतुएं हैं ये चौड़ी पत्ती वाले पादप होते हैं, और यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र में पाए जाने वाली पादप का जो वन पारिस्थितिक तंत्र है भूमध्य सागरी स्क्रैब वन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें या शीतकालीन वर्षा होता है, सीमित वर्षा होती है, शीतकालीन में इस वर्षा होती है, और इसमें समुद्री ठंडी और नम हवाओं के कारण यहाँ का तापक्रम हमेशा बदलते रहता है। यहाँ पर पाई जाने वाली जो जितनी भी पादप हैं चौड़ी पत्तियाँ वाली होती हैं, और इस क्षेत्र पर भी प्रकाश भूमि तक नहीं पहुंच पाता, जिससे यहाँ पर सदाबहार हमेशा चौड़ी पत्ती वाली पादप पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाली जो जीव हैं अनुकूलित इस वातावरण को सहने वाले, इस वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं, ऐसे जीव पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत अग्निरोधी, रेजिनयुक्त पौधे और मरुभूमि वाली पादप देखने को मिलता है। दूसरा, इसके बाद हम देखते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र में भूमध्य सागरी स्क्रब वन के बाद उष्णकटिबंधीय सवाना। उष्णकटिबंधीय सवाना वन पारिस्थितिक तंत्र, तो उष्णकटिबंधीय सवाना, इसके अंतर्गत आने वाली जो जितने भी अजैव घटक हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अजैव घटक। अजैव घटक के अंतर्गत वे ही कार्बनिक, अकार्बनिक तत्व होते हैं, और वहाँ की जलवायु होती है। तो जलवायु के अंतर्गत यहाँ पर पाए जाने वाली सामान्य जो वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अजैव घटक के अंतर्गत अकार्बनिक, कार्बनिक,
तत्व और वहाँ की जलवायु। यहाँ का जो वर्षा है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर जो तापक्रम है ये समान रूप से शुष्क मौसम होने के कारण शुष्क रहती है। यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ पर पाए जाने वाले जो पादप हैं ये शुष्क वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली जो घासें हैं, लंबी घासें वाले क्षेत्र होते हैं अफ्रीका के सवाना क्षेत्र, जिसमें एंटीपोड, हाथी, जेब्रा, कंगारू पाए जाते हैं। यहाँ पर जैव घटक उत्पादक में सवाना के क्षेत्र पर पाए जाने वाली घासें, लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं और बहुत कम वृक्ष होता है। घासें ज़्यादा यहाँ क्षेत्र पर पाई जाती हैं। उपभोक्ता में सवाना के क्षेत्र में पाए जाने वाले कंगारू, जेब्रा, हाथी, आदि जंतु इस क्षेत्र के उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। अब सभी नहीं, जैव घटक चाहे घासें हों या उत्पादक, जितने भी वहाँ की पाई जाने वाली वनस्पतियाँ और उपभोक्ता, ये सब मिलकर एक अपनी जैविक तंत्र को पूर्ण करते हैं। जैव और जैव घटक अपनी क्रियाओं के माध्यम से अपनी पूरी जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। जब इन जीवों का मृत्यु होता है तो जीवों की मृत्यु के बाद अपघटकों के द्वारा अपघटित कर लिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कवक, जीवाणु, ये जीव कवक जीवाणु आदि जो सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी सूक्ष्म जीव अपघटक की श्रेणी में आते हैं। और इन जितने भी जैव घटक हैं, उन जब जैव घटकों की मृत्यु होती है तो पुनः ये वातावरण में कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों के रूप में मुक्त कर लिए जाते हैं। फिर से इन्हें पदार्थों का उपयोग पौधे या उत्पादक हरे पादप अपने जैविक क्रियाओं में पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से हम वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों के आधार पर अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, उनकी जैविक घटक और अजैव घटक। जैविक घटक अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने के कारण, उनके अनुकूलताओं के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जीव होते हैं, लेकिन जो अजैव घटक हैं वे लगभग सामान्य होते हैं। उनकी अलग अलग जलवायु के आधार पर वहाँ जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और उनमें कार्बनिक अकार्बनिक तत्व ये वातावरण से ही प्राप्त करते हैं। तो सभी पारिस्थितिक तंत्र में, इसके अंतर्गत वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत टैगा प्रवेश प्रदेश, दूसरा शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, चौथा हम देखते हैं भूमध्य सागरी स्क्रैप वन, और पांचवा है उष्ण कटिबंधी सवाना वन, जिसमें विभिन्न जीवों के द्वारा अपनी जैविक क्रियाओं के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वातावरण पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से हम वन पारिस्थितिक तंत्र में भी अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो पूरे पारितंत्र में, चाहे वह स्थल हो, जल हो, सभी पारितंत्र में जीवों की जो जातियां हैं ये अलग अलग होती हैं। तो ये था वन पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हमने अभी दो टुंड्रा पारितंत्र और वन पारितंत्र के बारे में अध्ययन किया। अब इसके बाद हम स्थलीय पारितंत्र के माध्यम से और भी पारितंत्र हैं, जैसे कि घास का मैदान पारितंत्र, तालाब पारितंत्र। तो आज हम टुंड्रा प्रदेश पारितंत्र और वन पारितंत्र के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।